हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ थर्ड लेवल। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? ये थर्ड लेवल है क्या? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सबवे विच विल कैरी पैसेंजर टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। थर्ड लेवल एक इमेजिनेशन से क्रिएट किया गया है। ये राइटर चार्ली ने, नरेटर ने ये किया है, नॉट राइटर, नरेटर ओनली। तो ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जो उसके दादा के टाइम का जो जगह है, वहाँ पे वो जाना चाहता है। द स्टेशन थर्ड स्टेज वॉज मीन्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ एवरीबडी लाइफ फॉर चार्ले द नरेटर। तो चार्ले बेसिकली इस दुनिया से, हार्श रियलिटीज जो आजकल दुनिया में जो परेशानियाँ हैं, उनसे वो भाग जाना चाहता है, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन में ये क्रिएट किया है। इट प्रोवाइडेड हिम व्हाट विद अ फाउंडेशन वेयर फैंटेसी एंड रियलिटी कुड बी इंटरव्यू, और उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है इस थर्ड लेवल की इमेजिनेशन ने, कि वो जो आज की रियलिटी और फैंटेसी, जो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है, उसके बीच में एक तालमेल बना के हमें कुछ कंपेरिजन से बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाई टिकट्स गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? जो उसने इमेजिनेशन से थर्ड लेवल एक बार जनरेट किया था और वो वहाँ गया था, और उसको वहाँ पे जो उस टाइम की करेंसी नहीं थी, तो दोबारा उसने आके जो करेंसी एक्सचेंज करवाई, और फिर उसने वहाँ जो जाके अपना वो करना, टिकट लेके जाना, क्या वो जा पाएगा दोबारा? नो, चार्ले विल नेवर गो बैक टू द थर्ड लेवल टिकट काउंटर टू परचेज टिकट्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग, बिकॉज हिज इमेजिनेशन वॉज थर्ड लेवल। क्योंकि ये थर्ड लेवल था, ये इसकी इमेजिनेशन थी, सो दैट्स वाई ही विल नॉट बी एबल टू गो देयर एंड परचेज द टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल है, ये एक मीडियम ऑफ एस्केप? वॉट इज मीडियम ऑफ एस्केप? वेन यू आर सफरिंग, आप बहुत परेशान हैं और आप उस जगह को या उस चीज़ को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं, तो ये इसका मतलब है कि यू वॉन्ट टू एस्केप फॉर स्का एस्केप। तो क्या चार्ले भी वहाँ इस दुनिया से, जिस दुनिया में वो प्रेजेंट में रह रहा है, यहाँ बहुत परेशानियाँ हैं, यहाँ से वो भाग जाना चाहता है, इसलिए उसने ये इमेजिनेशन की है? येस, आई थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इंसिक्योरिटी, फियर, वार, वरीज एंड स्ट्रेस। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारी इंसिक्योरिटी है, फियर है, डर, बहुत सारा, क्योंकि कोई युद्ध का डर है, स्ट्रेस है, वार, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम। द हार्श रियलिटी ऑफ द मेकिंग ऑफ लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट, इवन अनबियरेबल। आज के टाइम में इंसान को बहुत सारी परेशानियां सामना करनी पड़ती हैं, और जो उसके लिए अनप्लीजेंट एंड अनबियरेबल है। सो यू वॉन्ट टू स्केप इन टू अ विशफुल वर्ल्ड, अपने एक सपनों का जो संसार है, इच्छाओं का, जो वो चाहता है उसमें वो जाना चाहता है। चार्ली टॉक्स टू साइकेट्रिस्ट फ्रेंड्स अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात करता है कि थर्ड जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ तीन लेवल हैं, दो नहीं। हिज फ्रेंड्स कॉल्स इट अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसका जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट है, वो ये कहता है कि ये तो ऐसा हो गया कि दिन में देखे हुए सपने सच होने जैसा, कि क्योंकि वो इमेजिनेशन में ही उसने ये सब क्रिएट किया है। चार्ली पोजेसेस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। एस्केपिस्ट टेंडेंसी क्या होती है? कि कहीं किसी चीज़ को छोड़ के भाग जाने की सोच। तो चार्ले की ये सोच है कि आज के संसार को छोड़ के पुराने संसार में जाना चाहता है। इवन स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और वो जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग करने का जो उसकी जो जो शौक है, ये भी एक इस रियलिटी से, जो आज की रियलिटीज को वो इग्नोर करके पास्ट पे फोकस्ड रहना चाहता है। व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ले? और जो सैम का लेटर आया था चार्ले को, वो क्या था? द वे चार्ली कम अक्रॉस द लेटर फ्रॉम सेम वॉज श्राउडेड इन मिस्ट्री। और सेम का जो लेटर है, वाकई श्राउडेड यानी कवर्ड, छुपा हुआ है, वो एक रहस्य में छुपा हुआ है। ही फाउंड एन एनवेल बिटवीन इज ओल्डेस्ट फेस्टिव कवर, और इसमें जो नरेटर को, चार्ली को, एक ऐसा लेटर मिलता है अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स में, जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन है पुरानी। द एनवेल्फ विच कंटेन्ड द लेटर बोर हिज ग्रैंडफादर्स एड्रेस, और वो लेटर उसके दादा के एड्रेस पर भेजा गया था। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 18 जुलाई 1894, और ये 1894 किस पे डेट लिखी थी? द पोस्ट मार्क डिस्प्लेड प्रेजिडेंट गारफील्ड्स इमेज, उस टाइम के जो प्रेजिडेंट थे, उनकी फोटो लगी थी उस पर। द फर्स्ट डे कवर यूजुअली कंटेन ब्लैंक पेपर। आमतौर पे तो जो फर्स्ट डे कवर अपने ही एड्रेस पे सेंड करने का जो ट्रेंड है,
कि लोग जब नई उस दिन टिकट आती है वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, एक खाली एनवेल्प के ऊपर वो टिकट लगाते हैं और अपने घर भेज देते हैं, वो कि प्रूफ रख सकें कि हाँ मैंने पहले दिन ही ये टिकट खरीदी थी जिस दिन ये इशू हुई थी। तो आमतौर पर लोग उसमें खाली पेपर डालते हैं, बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर। लेकिन आज जो उसके पास फर्स्ट डे कवर है, इसमें एक लेटर मिला है उसको, और चार्ली हैड रिसीव्ड द मैसेज। और इसमें लेटर में क्या लिखा है, सैम हैड टोल्ड चार्ली इन द लेटर दैट ही वाज इन थर्ड लेवल लिविंग, और उसने कहा कि वो थर्ड लेवल में रह रहा है। सैम ने कहा वो पहुंच गया है। ही हैड ऑल्सो एडवाइज चार्ली एंड वाइफ कि तुम भी आओ, वुड कंटिन्यू टू सर्च फॉर द थर्ड लेवल, तुम इसे ढूंढते रहो। द लेटर वॉज ऑब्वियसली अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ये लेटर, कोई लेटर आया नहीं सच में, ये उसकी इमेजिनेशन का ही हिस्सा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस, वट आर द वे इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम। कि आज का संसार ये परेशानियों से भरा हुआ है, तो कौन से तरीके हैं इन परेशानियों से हम निकल सकते हैं। हाँ, नो डाउट आज के संसार में बहुत सारी एंजाइटीज हैं, परेशानियां हैं, थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन सम प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल प्रैक्टिस। अगर हम आज की परेशानी और एंजाइटी से बाहर आना चाहते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में हम पार्टिसिपेट करें, वी कैन कंक्वर द एंजाइटीज, हम इसके ऊपर जीत पा सकते हैं एंजाइटी के ऊपर। इनसिक्योरिटीज क्रिएटेड थ्रू आवर अनअवॉर्डेबल लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारी जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जो परेशानियां हैं, हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों में पार्टिसिपेट करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, कल्टीवेटिंग इंटरेस्ट, हम ना अपना इंटरेस्ट को चलाते रहें, उस पर काम करते रहें, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, गोइंग टू फ्रेंड्स, गोइंग ऑन एक्सकर्शन, एक्सकर्शंस मीन आउटिंग, कोई ट्रिप पे चले जाएँ, टूर पे चले जाएँ, वैकेशन पे चलें, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन करें कुछ, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, हेल्प करते हैं आपको, योगा है, हेल्थ एक्सरसाइज हैं, तो इससे आपको बहुत सारा रिलीफ मिलेगा। रीडिंग गुड बुक्स, बहुत ही अच्छी बात, गुड बुक्स, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। जब आप परेशान हैं, आपको एंजाइटी है, इज इक्वल टू हैविंग ग्रेट इनसाइट इनटू गुड फ्रेंड्स। जैसे अच्छे दोस्तों के साथ बैठना होता है, ऐसी ही अच्छी बुक्स होती हैं। नॉट ओनली डू दे इंस्पायर अस विद वास्ट स्टोर ऑफ विजडम, बट दे ऑल्सो हेल्प अस लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर एंड रिमेन रोटेड इन द दोज असेंशियल ह्यूमन क्वालिटी। और ये हमारी अच्छी फ्रेंड्स ही नहीं है, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से जिन्होंने किताबें लिखी हैं, हम सीखते हैं और हम जुड़े रहते हैं रूट्स के साथ, इस सोसाइटी के साथ। ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग स्पोर्ट्स एंड जिम लेसन, अटेंडिंग सोशल एक्टिविटीज़ कैन आल्सो हेल्प अस टू ईज आवर एंजाइटीज एंड रिमेन कंसनट्रेटेड एंड डिसिप्लिन इन लाइफ। आप सोशल एक्टिविटी में कुछ सेवा के काम करें, तो इससे भी आप अपनी लाइफ में कंसनट्रेट रह सकते हैं। इजी हॉबीज सच एज लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग विद पेट्स एंड ओकेजनल डिनर आउट, कभी डिनर पे बाहर चले जाएं, अपने पेट्स हैं आपके पास या म्यूजिक का इंटरेस्ट है, तो इससे भी आप टेंशन से रिलीफ हो सकते हैं। वॉचिंग मूवी है, प्लेइंग और गोइंग टू प्लेसेस सच एज पार्क्स एट्सेट्रा कैन गो अ लॉन्ग वे टू हेल्प अस गेट रिड ऑफ टेंशन, बोर्डम एंड एंजाइटी। तो इन सब चीज़ों से हम इन टेंशन से फ्री हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में चलना, कभी इधर कभी उधर। क्या ये कहानी चलती है कि दो दो टाइम के बीच में चलती है, नेचुरली दो टाइम पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चलती है। श्योर, दे आर सेवरल इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो टाइम स्पेस इंटरसेक्शन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें आगे का टाइम और पीछे के टाइम का के बीच में कहानी दौड़ती है। क्या फर्स्टली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, फर्स्ट टू फ्लोर, ये प्रेजेंट में तो टू फ्लोर हैं, वर इन प्रेजेंट एंड लोकेटेड वेन द थर्ड फ्लोर एग्जिस्टेड इन 1890s, और 1890s में का थर्ड फ्लोर जिसका जिक्र है जो अब नहीं है। सेकेंडली, चार्ली एंड लुइजा आर लिविंग इन द प्रेजेंट टाइम एंड रशिंग टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय टू टिकट टू गो टू बेल गो टू द 1894 गेल्सबर्ग। और चार्ली और उसकी वाइफ लुइसा अब के टाइम में रहते हैं, लेकिन वो पिछले टाइम में भाग जाना चाहते हैं, उसके लिए वो टिकट खरीद रहे हैं, करेंसी चेंज करवा रहे हैं कि गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीद सकें। एडिशनली, द प्लेटफॉर्म ओल्ड डिजाइन एट द थर्ड लेवल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टू लेवल्स। और जो जो थर्ड लेवल है उसका टाइम भी और उसकी जो बनावट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें ही वो बिल्कुल अलग अलग हैं आज के टाइम से और उसके टाइम से। फॉर एग्जाम्पल, क्या अलग है, इनफैक्ट आर्काइक मैनर, क्योंकि तो एंशियंट है। थर्ड लेवल तो वो बहुत पुराने तरीके से बना है, विच पीपल ड्रेस, उनकी ड्रेस अलग है, उनका उनके टाइम टेबल्स, उनकी डेट जो इसमें दी गई है, ये एक्चुअली 1984 11 जून नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1894 प्लीज़ आप कर लीजिए, इट शुड बी 1894, सो ये कर लेंगे। आल्सो
कंट्रास्ट विद द रियल टाइम कल्चर, तो इसमें बहुत सारा फर्क है आज के कल्चर में, पुराने कल्चर में। फाइनली द लेटर सेंट टू चार्ल्स ग्रैंड फादर ऑन जुलाई 1894, जो 1894 में जो उसको लेटर भेजा गया वो भी पुराने टाइम का है, वो भी कन्वर्जेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस एज सेंटर चार्लीज फ्रेंड सैम एंड द रिसीवर चार्ली हिमसेल्फ बिलोंग टू द प्रेजेंट। हालांकि सैम और चार्ली दोनों प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, लेकिन 1950s में रह रहे हैं, लेकिन 1894 का लेटर सैम ही चार्ली को भेजता है। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ इसमें है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इट इज़ ये बहुत इजी है, मैं आपको इसका एक हिंट दे देता हूँ और आप इजीली कर लेंगे क्योंकि आपने टेक्स्ट पढ़ लिए। फ्लैटली हेल्प कीप द पास्ट लाइफ। फ्लैटली क्या होता है? जब ओल्ड टिकट्स जो आपके खरीदने का शौक है उसको फ्लैटली कहते हैं, तो वो पास्ट को याद रखने के लिए किया जाता है। तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट को याद रखने के लिए की जा सकती हैं? तो इसके आंसर में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो पास्ट को याद रखने के लिए की जा सकती हैं और आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसका मैं वर्ड फाइल साथ अटैच कर दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत ही ईजी है। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।